हेलो बच्चों, राधे राधे। हमने जो है दो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में जो है हमने ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, फ्री फॉल और इन सब टॉपिक्स पर बात की थी। सेकंड लेक्चर में हमने मास एंड वेट, फोर्स, प्रेशर, इनके बारे में बात करी। अभी जो थर्ड लेक्चर है ना, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉपिक दैट इज बायंसी। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब यहां पे हम बात करने वाले बायंसी के बारे में। बायंसी पहली बात तो एक जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज बायंसी। देखो बच्चों, जैसे कि सपोज करो अगर आपने एक सीमेंट की बोरी ली, ठीक है, और सीमेंट की बोरी में आपने पतले से पिन से छेद कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या सीमेंट उसमें से गिरेगा? नहीं गिरेगा। मतलब हो सकता है छेद करने के टाइम पे जितना गिरे उतना गिरे, उसके बाद नहीं गिरेगा। बट यही सपोज करो अगर एक ऑयल का पैकेट है या एक वाटर गैलन है और उसने अगर आपने छेद किया या एक होल कर दिया, तो क्या वो कंटिन्यूअसली गिरता रहेगा? यस, ऑफ कोर्स। क्योंकि रीजन है, जो फ्लूड होता है ना हमारा, जो ऑयल होता है या जो वाटर होता है ना, वो पूरे के पूरे सरफेस पे फोर्स लगाता है। वो क्या करता है? पूरे के पूरे सरफेस पे फोर्स लगाता है। तो चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो क्या बोलेंगे कि बायोलॉजी इज द फोर्स एक्चुअली फोर्स नहीं लिखो, इसको लिखो बायंसी इज द अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स, हाँ आप सही, बायंसी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय, अब किसके द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है? तो फ्लूड के, ठीक है, एक्सर्टेड बाय फ्लूड ओवर द सरफेस, ओवर द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब किस तरह का ऑब्जेक्ट? जो कि फ्लूड में डुबाया जा रहा हो, ऑब्जेक्ट विच इज इमर्ज इन द फ्लूड, विच इज इमर्ज इन द फ्लूड, which is immersed in the fluid, ठीक है? अब याद करो यार कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में रखते हैं, या उसको किसी एक ब्रिक को ले लो, ब्रिक को आपने हवा में उठाया, ठीक है, और उसी ब्रिक को अगर आप वाटर में डाल के उठाने की कोशिश करो, तो आपको कहां पे वो ज्यादा लाइट फील होगा, हवा में या वाटर में? वाटर में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करते हो, वाटर में ऑब्जेक्ट को ज्यादा लाइट लगता है, आपको काफी हल्का लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वाटर जो है ना, वाटर या फ्लूड, यार अगर मैं यहाँ पे वाटर बोल रहा हूँ ना, तो मतलब मैं फ्लूड के बारे में बात कर रहा हूँ। आप चाहे शहद के बारे में बात कर सकते हो, कड़ी चावल, नहीं कड़ी चावल नहीं है, सिर्फ कड़ी के बारे में, कड़ी के बारे में बात कर सकते हो, किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हो, है ना बिंदु? तू कड़ी के बारे में बात करेगी ना। सपोज करो ये आपका टैंक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ये फोर्स लग रहा है, ये फ्लूड हमारा फोर्स लगवा रहा है, अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज और देख सकते हैं क्या, कि ये अपवर्ड फोर्स 90 डिग्री पे है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, बोल सकते हैं। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या मैं इसको अपवर्ड थ्रस्ट बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? वेरी गुड। तो ये भी बोल सकते हैं कि बायंसी इज ऑलवेज ऑल्सो नोन एज buoyancy is also known as upward thrust। ये लाइन याद रखना, buoyancy is also known as upward thrust। अब ये क्या है? अभी नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, यानी कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में या किसी फ्लूड में उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास चेंज नहीं होगा, बट वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा फील होगा? लाइट फील होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी हेल्प कर रहा होगा, ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये आपकी हेल्प कर रहा होगा। इज दैट क्लियर?
अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वजह से, बायंसी की वजह से कोई ऑब्जेक्ट तैरेगा या डूब जाएगा, ये कैसे डिपेंड होगा। तो यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर बायोनिक फोर्स, अगर बायोन फोर्स जो है वो क्या है, वो ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, वेट भी एक तरह का फोर्स ही है ना, वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो अगर जो आपका बायोन फोर्स है, बायंसी है, वो क्या हो गया, वो इससे ज्यादा हो गया, बायंसी ज्यादा हो गई या बायोन फोर्स ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा। अरे यार यहां पे आपके ज्यादा फोर्स लग गया तो ऑब्जेक्ट क्या डूबने पाएगा, क्या नहीं डूबने पाएगा, अगर फोर्स ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ऑलवेज स्विम करेगा, फ्लोट करेगा या तो। और अगर ये फोर्स क्या हो गया, कम हो गया और वेट ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। क्लियर है, मतलब कि अगर बायोनिक फोर्स ज्यादा है वेट से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, फ्लोट करेगा, और अगर बायोनिक फोर्स कम है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, सपोज करो एक लोहे का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, और उस लोहे के टुकड़े को हम एज इट इज पानी में उठाकर फेंक दो, क्या होगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर जो तुम्हारा फोर्स लग रहा होगा ना, वो फोर्स कम होगा और उसका वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट है, तो वो उस फ्लूइड के अंदर या उस वाटर के अंदर क्या होगा, डूब जाएगा। लेकिन उसी टुकड़े को हमने पीट पीट के फ्लैट कर दिया, पीट पीट के क्या किया, फ्लैट कर दिया, उसका एरिया बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, उसका एरिया बढ़ा दिया, और उस टुकड़े को अगर मैं पानी में फेंकूं तो क्या अब वो डूबेगा, नहीं डूबेगा, क्यों, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया, तो उसके ऊपर लगने वाला अपवर्ड थ्रस्ट क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, हमने वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जैसे ही बढ़ा दिया वैसे ही वो क्या हो जाएगा, वो सिंक नहीं होगा, वो क्या होगा, वो फ्लोट करेगा। शिप है, शिप आपकी किस चीज की बनी होती है, लोहे की बनी होती है ना, बट वो तैरती है, क्यों, क्योंकि उसका शेप वैसा बनाया जाता है, करेक्ट है, उसका शेप वैसा बनाया जाता है कि उसकी, उसका जो बायोनिक फोर्स है वो उसके वेट से क्या हो, हमेशा ज्यादा हो, ताकि वो क्या कर सके, फ्लोट कर सके। समझे बच्चों, ओके, जैसे और बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर आप, हाँ सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने मिट्टी ली और मिट्टी को हल्का वाटर मिक्स करके सान दिया, मिक्स कर दिया उसको अच्छे से, और मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, करेक्ट है, गोल टुकड़ा एकदम, और उस गोल टुकड़े को अगर मैं वाटर में छोड़ू तो क्या होगा, वो गोल टुकड़ा वाटर के अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा, करेक्ट है। बट अगर मैंने उसी टुकड़े को प्रेस करके दिए के फॉर्म में बना दिया, और वो दिया अगर मैं, दिया अर्दन लैंप क्या बोलते हो आप लोग, दीपक जलाते हो, अगर उस दिए को मैं पानी में छोड़ू तो क्या वो दिया तैरेगा या डूब जाएगा, तैरेगा, करेक्ट। आपने देखा होगा ना, नदियों के किनारे बहुत सारे लोग दीपदान करते हैं, वो सारे दिए तैरते हैं, है दोनों सेम, बट क्यों तैरते हैं, क्योंकि क्या है, उनका हमने क्या किया, उनका बायोनिक फोर्स बढ़ा दिया और वेट क्या किया, कम कर दिया। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूं, सबमरीन्स पता है, सबमरीन्स पता है सबको, पानी के अंदर भी चलती है, बाहर भी चलती है, आर्मी के पास होती है, नेवी के पास होती है, नेवी के पास होती है, ठीक है। सो सबमरीन में जो है ना बायोनिक टैंक्स होते हैं, अब वो बायोनिक टैंक क्या करते हैं, जैसे सपोज करो हमें सबमरीन को अंदर सिंक करना होता है, तो वो बायोनिक टैंक वाटर को अंदर आना अलाउ कर देते हैं। अब वाटर जैसे ही अंदर आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वाटर आपके सबमरीन के अंदर भरना स्टार्ट हो गया, करेक्ट है, उस बायोनिक टैंक में। तो अब उस टैंक में जब भरना स्टार्ट हो गया तो सबमरीन का जो वेट है वो क्या होने लगता है, वो इंक्रीज होने लगता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, वेट इंक्रीज होता है और बायोनिक फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सबमरीन हमारी क्या होती है, सिंक हो जाती है। और जब हमें सबमरीन को पानी के ऊपर लाना होता है, हम मोटर ऑन करके उस सारे पानी को क्या करते हैं, बाहर की तरफ समंदर में फेंक देते हैं। अब क्या हो जाएगा, हमारा बायोनिक फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और सबमरीन का वेट क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, और सबमरीन हमारी पानी के ऊपर आ जाती है और वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। समझ में आया बच्चों, तो ये हमारा बेसिक है इसका। अब इसमें एक लास्ट बचा हुआ टॉपिक, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, नहीं सॉरी, दो टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं इसमें, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। आप तो सबसे पहले आता है हमारा एक टॉपिक आता है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, बचपन से मतलब क्लास सिक्स या सेवन से स्टार्टेड डेंसिटी है। सो व्हाट इज डेंसिटी,
एनीबडी? डेंसिटी, डेंसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोल सकते हैं इसको? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट मास, यानी कि आपका क्या हो गया केजी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी एम माइनस थ्री, क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट? केजी एम माइनस थ्री, ये इसकी क्या हो गई? ऐसा यूनिट हो गई। अब यहां पे क्या होता है समझो कि अगर हमने आपका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सपोज करो अगर 1 kg का आयरन का टुकड़ा है और उसको मैं पानी में छोड़ू तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? काफी ज्यादा होगी, वो पानी के अंदर क्या होगा? डूब जाएगा। बट अगर उसी 1 kg के आयरन के टुकड़े को मैं ठोक पीट करके उसका वॉल्यूम बढ़ा दूं, उसका वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया ना, अगर उसको ऐसा शेप दे दिया तो अगर उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, करेक्ट है? तो उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और वो फ्लोट करेगा। दिस इज व्हाट डेंसिटी, ठीक है? अब डेंसिटी के बाद हमारे पास एक टॉपिक और आता है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब यार बड़ा ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज से हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का कंपैरिजन वाटर से करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? वाटर की डेंसिटी से करते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, वो जो डेंसिटी निकल के आती है वो हमारी होती है रिलेटिव डेंसिटी। और याद रखना, अगर मेरी रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, हमेशा याद रखना रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या होता है फॉर्मूला? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर ये 1 से कम आ जाता है इसका आंसर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? फ्लोट होगा। और अगर इसका आंसर 1 से ऊपर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हमेशा सिंक हो जाएगा। अब यार देखो, 1 से कम आंसर कब आएगा? अब यहां पे देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे है और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, मतलब अगर ऊपर का नंबर वाटर इस नंबर से छोटा होगा तभी 1 से छोटा आएगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होगी? कम होगी, वही ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? फ्लोट होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी क्या होगी? वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। जैसे हम बर्फ के केस में बात करें, या 1 ग्राम की बर्फ हो या 1000 किलोग्राम की बर्फ हो, वो हमेशा वाटर के ऊपर क्या होगी? सिंक होगी या फ्लोट होगी? वो ऑलवेज फ्लोट होगी। आइस क्या होगी? ऑलवेज फ्लोट होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? वाटर से हमेशा क्या होगी? कम होगी। उसकी डेंसिटी क्या होगी? वाटर से कम होगी। बट आयरन के केस में बात करेंगे तो आयरन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी आयरन की। उसका क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम उसकी डेंसिटी को क्या कर सके? चेंज कर सके, और जिसकी वजह से उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी और वो फ्लोट होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? चलो अब एक लास्ट बात करते हैं, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? तो एक यार साइंटिस्ट नहीं थे एक्चुअली, आर्किमिडीज सर जो थे वो एक फिलोसोफर थे। क्या थे? फिलोसोफर, फिलोसफी ज्ञान देते थे भाई, ठीक है? अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था कि एक वन लाइनर स्टेटमेंट में अगर बात करूं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमेशा क्या बोलता है कि दैट इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू बायोन फोर्स।
ये हमेशा याद रखना। अब आर्किमिडीज क्या हुआ ना, आर्किमिडीज एक दिन स्टोरी है, कितनी सही है कितनी गलत है गॉड नोस, बट स्टोरी है तो स्टोरी सुनाता हूँ। सो आर्किमिडीज एक दिन अपने घर में मस्त बाथटब लगाया उन्होंने और एकदम नहाने के लिए तैयार हुए और वो बाथटब में जाके कूद गए। अच्छा उन्होंने देखा कि जैसे वो बाथटब में कूदे ना काफी सारा पानी बाहर निकल गया, काफी टेंशन में बोले हो सकता है मैं झटके से कूदा, इसलिए उन्होंने बाथटब को वापस लेवल तक भरा और इस बार उन्होंने काफी आराम से उतरे। फिर भी देखा उन्होंने सेम पानी बाहर आया, काफी परेशान हो ऐसा। फिर वापस उन्होंने उसको दो तीन बार किया और मेजर किया और यहां पर उन्होंने बताया कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू बायोन फोर्स, मतलब कि अगर हम किसी भी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली किसी भी फ्लूड के अंदर क्या करते हैं इमर्स करते हैं तो उसके द्वारा जो डिस्प्लेस किया हुआ फ्लूड होता है वो उसके बायोन फोर्स के इक्वल होता है, करेक्ट है। अच्छा ये होने के बाद ना मतलब अब ये पता नहीं मिथ है या फैक्ट है बट लोग बोलते हैं कि वो ऐसे ही बिना कपड़ों के यूरेका यूरेका करते हुए गलियों में भागे थे। सो बस इसी के साथ आपका टॉपिक जो है वो खत्म होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ। अभी ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट में बताओ, और अगर आपको बच्चों अच्छी लग रही है और तीनों वीडियो सीक्वेंस में देखना प्लीज, और समझ में आ रही है जो टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे उनके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उन टॉपिक को आपको री एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड काफी प्यार मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, काफी अच्छा चल रहा है, सो प्लीज चैनल को और ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच, राधे राधे बच्चों।